नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है मिस्टर पी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। Xiaomi की तरफ से तो यहाँ पर मतलब कल है 14th February, यानी वो दिन जिस दिन के लिए Xiaomi ने बड़ा वाला 5 का इनविटेशन दिया था पूरी मीडिया को। यहाँ पर मतलब Note 5 वैसे कंफर्म ही हो चुका है, कल आपको Note 5 देखने को मिलने वाले, लेकिन इस न्यूज में खास बात ये है कि आपको Note 5 Pro भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है Mi TV, जो कि ये तीन प्रोडक्ट है जो इंडिया में 2018 में पहली बार लॉन्च होंगे। पहला लॉन्च है Xiaomi का 2018 में और यहाँ पर खास बात यह है कि आपको Note 5 में सिंगल कैमरा और Note 5 Pro में डुअल कैमरा सेटअप देखने वाला है, देखने को मिलने वाला। प्रो है जो जिसमें डुअल कैमरा सेटअप वो मिलेगा वर्टिकल कैमरा सेटअप, और साथ ही साथ जो Note 5 है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप मान लीजिए बिल्कुल Redmi 5 Pro जैसा ही होगा, और जो Note 5 Pro है वो उससे थोड़ा अपग्रेडेड होगा। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ आती है वो आती है Qualcomm Snapdragon 670 को, जिसकी न्यूज़ मतलब लीक्स थी, पहले लीक हुई थी जिसकी मैंने न्यूज़ में आपको बताया था। तो यहाँ पर पहले स्मार्टफोन जो आपको इस प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेंगे इस साल वो है Oppo के R13 और R13 Plus, और मतलब ये स्मार्ट जो प्रोसेसर है वो बहुत बेहतरीन है, तो स्मार्टफोन भी बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। हालांकि यहाँ ओप्पो वीवो के हैं तो दिल पे लेने की बात नहीं है यार, उनके फोन्स भी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ आती है वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप का जो एक फीचर है व्हाट्सएप स्विच, जिससे कि आप जो है डायरेक्ट एक बटन को स्विच करके व्हाट्सएप में वीडियो कॉल से वॉइस कॉल में, वॉइस कॉल से वीडियो कॉल में स्विच कर सकते हैं, तो वो फीचर आपको iOS वाले वर्जन में मिल जाता है। अब आप सीधे जाके अपने, अगर आपके पास आईफोन है तो वहाँ जाके आप अपने WhatsApp को अपडेट करिए, ये फीचर आपको मिल चुका है। लेकिन Android यूज़र जो कि उनमें से एक मैं हूँ, उन्हें ये फीचर अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मेरे पास तो अभी WhatsApp का पेमेंट फीचर भी नहीं है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास आया है या नहीं आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगली न्यूज़ आती है वो आती है जियो फाइबर को लेकर। तो जियो के जो फाइबर ऑप्टिक केबल वाले इंटरनेट कनेक्शन है, जिसके लेके मतलब काफ़ी 2017 से ही काफ़ी गेमा गेमी चल रही, कब आएगा ये इंटरनेट, तो यहाँ पर जो है जियो यहाँ पर काफ़ी वर्क कर रहा है और यहाँ पर 2018 के मतलब बीच में कहीं देखने को मिलने वाला है ये आपको। और यहाँ पर कुछ ऐसे रिव्यूअर्स है कि आपको स्टार्टिंग के 3 महीने ये इसका यूज़ फ्री मिलेगा और उसके बाद आपको पे करना होगा। यहाँ पर मतलब टीवी वगैरह इंटरनेट वगैरह सब कुछ उसी से ही होगा, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है। देखते हैं ये आपका जियो फाइबर कब तक आता है। अगली न्यूज़ आती है वो आती है हमारे इंडियन मैसेजिंग ऐप हाइक की तरफ से। तो हाइक जो है यहाँ पर तैयारी कर रहा है आपको हाइक से यूज़ करके ही अपने ओला कैब को बुक करने की। तो यहाँ पर जो है ओला कैब को आप डायरेक्टली बुक कर पाएंगे, नया इंटीग्रेशन उन्होंने अपने एप्लीकेशन में किया है, अपडेट कीजिए। और 1 MB की शायद ये फाइल होगी, जिससे कि सिर्फ 1 MB की फाइल से ही आप जो है ओला कैब ऐप को बुक कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो हाइक का वॉलेट था वो भी आपको वही मिलता, तो सीधे पेमेंट करिए, ओला बुक कीजिए, पहुँच जाइए जहाँ पहुँचना है। अगली न्यूज़ आती है वो आती है एंड्रॉयड पी को लेकर। तो यहाँ पर मतलब एंड्रॉयड पी का नाम तो कुछ पता नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा एंड्रॉयड पी आखिर क्या हो सकता है। खैर, न्यूज़ कुछ ऐसी है कि एंड्रॉयड पी जो है गूगल इस पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर आईफोन 10 में जो नॉच देखने आपको देखने मिलती है वो अगर एंड्रॉयड में नॉच आएगी तो उसके लिए एंड्रॉयड पी वर्क कर रहा है, ताकि उस नॉच को वो सपोर्ट कर सके, क्योंकि नॉच के बीच में जो है स्टेटस बार ऊपर का वो नहीं होता है, तो साइड साइड में आइकन्स होते हैं, तो इस तरीके से सपोर्ट के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड पी को डेवलप किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ आती है वो आती है एलजी की तरफ से। तो एलजी का V30 है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा आपको मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको एलजी के विजन 30 या V30 में देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ जो एक और बढ़िया न्यूज़ आती है वो आती है आपके जियो फोन को लेकर। तो आपके पास अगर जियो फोन है तो मतलब उसमें सबसे बड़ी खामियाँ यहाँ पर दो थी, जो थी आपको व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक कमी तो कम कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर आपको जियो ऐप स्टोर पे आप फेसबुक डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। और जाइए यार, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और फेसबुक पे जियो फोन में चलाइए। तो अगली न्यूज़ आती है वो आती है सैमसंग गैलेक्सी S9 को लेकर। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S9 जो है उसका 4GB रैम वेरियंट जो है वो गीक बेंच पर स्पॉट किया गया। तो यहाँ पर जो 4GB रैम वेरियंट है उसका प्रोसेसर जो है वो है एक्सिनोस का 8910, जो अब तक का सैमसंग का खुद का हाई एंड प्रोसेसर है, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया गया है और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है आपको स्नैपड्रैगन 845 जैसी। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मॉडल नंबर है SMG960F, और यहाँ पर मतलब सिंगल कोर स्कोर्स जो थे यहाँ पे बेंचमार्किंग के वो थे 3648, और मल्टी कोर प्रोसेसर के जो स्कोर थे वो थे 8890। तो यहाँ पर मतलब S9 बहुत बेहतरीन होने वाला है, यहाँ पर मतलब प्रोसेसर की कुल मिला के यहाँ पर जो स्कोर्स हैं वो बहुत बेहतरीन है।
जो अगली न्यूज आती है वो आती है आपके एंड्रॉइड और क्रिप्टो चेकिंग को लेकर। तो यहाँ पर जो है एक फर्म मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है Malwarebytes, उसके रिसर्चर्स ने ये पाया है कि 2017 में मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स जो है ड्राइव बाय क्रिप्टो करेंसी नाम के कैंपेन के तहत यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन्स को हैक किया गया, आपके स्मार्टफोन को यूज किया गया हैकर्स द्वारा आपके लिए मतलब अपने लिए आपके फोन से क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए। और जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी मोनेरो क्रिप्टो करेंसी, और यहाँ पर मतलब बहुत मतलब खतरनाक बात है। और यहाँ पर मतलब आपको ब्राउजर में भी अगर आप ब्राउज करते हैं तो यहाँ पर जो ऐसे कि क्रोम जो कि अच्छा खासा ब्राउजर है आपके स्मार्टफोन के लिए, तो वहाँ जब आप ब्राउज करते थे यहाँ पर जो है आपको मतलब कैप्चा कंप्लीट करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ सस्पिशियस लगता था गूगल को या इंटरनेट को, तो यहाँ पर जो आपको कैप्चा कंप्लीट करना पड़ता है ये बताने के लिए कि आप एक ह्यूमन है, क्योंकि वहाँ पर क्रिप्टो जैकिंग उस टाइम पर हो रही होती थी। अगली न्यूज आती है वो आती है रशिया की तरफ से। तो रशिया कह रहा है कि हमारे तो 2017 में $17 million जो है हैकर्स ने चुरा लिए और हम खंगाल हो गए। जो अपडेट न्यूज आती है वो आती है बहुत ही बेहतरीन इंडिया की तरफ से। इंडिया में 2017 में आपको 14% का इंक्रीमेंट मिला था स्मार्टफोन मार्केट में, और यहाँ पर मतलब टोटल 2017 में 124 मिलियन शिपमेंट्स हुई थी यहाँ पर स्मार्टफोन यूनिट्स की। तो मतलब बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है हमारा भी स्मार्टफोन का मार्केट, और बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन यहाँ पर ऑनर आ चुका है, यहाँ पर इन्फोकस आ चुका है, यहाँ पर आईफोन ही आ चुका है, यहाँ पर सैमसंग तो पहले से था ही, नोकिया दोबारा से आ चुका है, मतलब शाओमी तो मतलब तड़कता भड़कता है। शाओमी की एक और न्यूज़ है जो कि आगे आपको बताने वाला हूँ। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर हर तरीके का फ़ोन आपको अवेलेबल है, अमेरिकन से लेके इंडिया का खुद का लेके से चाइनीज स्मार्टफोन, कोरियन स्मार्टफोन, सभी स्मार्टफोन आपको यहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो अगली न्यूज आती है वो आती है दोबारा से सैमसंग के गैलेक्सी S9 और S9 Plus को लेकर। तो यहाँ पर जो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उसके यूज़र मैनुअल की जो है उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पैड है, उसके कुछ पिक्चर्स लीक हुई जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको उस पैड में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर जो फ़ोन है उसे आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी रख सकते हैं, और जो रेटिंग होगी उस वायरलेस चार्जिंग एडाप्टर की वो होगी 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 2.1 एम्पियर। तो यहाँ पर मतलब धड़कता बढ़कता फास्ट चार्जिंग आपको सैमसंग के S9 में देखने को मिलने वाली है, बस थोड़ी देर के लिए लगाइए और पूरे दिन के लिए यूज कीजिए। बढ़िया जो अगली न्यूज आती है वो आती है Xiaomi वर्सेस Samsung को लेकर। तो यहाँ पर जो है 2017 के लास्ट फोर्थ क्वार्टर यानी कि लास्ट के 3 महीने 2017 के कुछ ऐसे थे, यहाँ पर Xiaomi ने Samsung को बीट कर दिया और इंडिया में बन चुका है नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी। तो यहाँ पर जो है फोर्थ क्वार्टर में शेयर्स जो थे इंडिया में दोनों कंपनीज के कुछ ऐसे थे कि यहाँ पर जो Xiaomi थे वो 26.4% शेयर को एक्वायर करे हुए स्मार्टफोन का, और वही Samsung की बात करूँ वो थोड़ा कम है, यहाँ वो है 24.2% मार्केट शेयर पर। और यहाँ पर मतलब स्मार्टफोन के साथ साथ यहाँ पर Samsung के फीचर फोन्स भी थे जो आपको इंडिया में देखने को मिलते, लेकिन बेचारे वो भी पीछे रह चुके हैं, यहाँ पर जियो फोन का जो फीचर फोन है उसने Samsung को पीछे कर दिया है। तो मैंने यहाँ जो आज की लास्ट न्यूज आती है वो आती है नोकिया को लेकर। तो नोकिया के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 जो कि 25 मार्च को शायद वो अटेंड करने वाला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को नोकिया, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स की कुछ अनवीलिंग शायद हो सकती है, वहाँ उसमें इंक्लूड होंगे नोकिया 9, नोकिया 1, नोकिया 4, फ्लैगशिप नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8। तो यहाँ पर मतलब ये फ़ोन शायद शोकेस किए जाए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में, और साथ ही साथ यहाँ पर खास बात ये है कि ये स्मार्टफोन्स आपको इसी साल अप्रैल तक आपको मिल जाएंगे खरीदने के लिए, मार्केट में अवेलेबल होंगे। फ्रेंड ये थी आज की कुछ कमाल की टेक न्यूज़, आई होप आपको इस टेक न्यूज़ में आपको मजा आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा हो कि मैंने कुछ आपको अपडेट किया है न्यूज़ से रिलेटेड, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मैंने इस वीडियो में बताया, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ और टेक न्यूज़ रोज अपलोड करता हूँ। डेली यार 2 वीडियोज़ तो अपलोड होती हैं चैनल पर, जाके आप चैनल चेक कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मिस मत क्या करिए यार, बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, थोड़ा तो देखिए यार, ठीक है। बस आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।